भाई, अवैध शराब पकड़ी गई है जयपुर में। आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी आबकारी विभाग को मिली है, एक बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब पकड़ी गई है। महेश नगर इलाके में पुलिस की दबिश में ये शराब पकड़ी गई। तो चुनाव से पहले ये शराब पकड़ा जाना, क्या इसे माने कि ये वोटर्स के बीच में बांटने के लिए ले जाई जा रही थी, और इस दिशा में अब पुलिस पूछताछ भी करेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। जब यहाँ पर दबिश थी पुलिस ने, पुलिस को जानकारी मिली थी, मुखबिर से खबर मिली थी, और जब जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस की टीम के भी होश फाख्ता हो गए। देखिए किस तरह से ये पेटी जो है, ये बॉक्स जो है, इसमें से शराब बरामद हुई है। तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के धन बल, बाहुबल, इन सब चीजों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है, सियासत में किया जाता है, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। और क्या ये शराब भी इसलिए थी, इस पर अपडेट लेते अपने सहयोगी सत्यनारायण से। सत्यनारायण, यूं एक घर से इतनी बड़ी खेप बरामद होना शराब का, कल चुनाव होना, तो क्या ये बांटने के लिए, वोटर्स के बीच में बांटने के लिए थी, क्या जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट इंडिया की जो टीम ने ही ये दबिश मारी थी, वो पुलिस की टीम के साथ में दबिश मारी गई थी। फर्स्ट इंडिया की टीम को सूचना मिली थी कि इस मकान के अंदर अवैध शराब बिक्री है, और शराब बिक्री के बाद में पुलिस की टीम को साथ ले जाकर इस मकान पर सर्च करवाया गया। लेकिन करीबन एक घंटे की तलाशी के दौरान मकान के अंदर कुछ भी नहीं मिला। बच्चों, छोटे बच्चों, महिलाओं की आग में तमाम जो शराब का कारोबार है वो चल रहा था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाई, ताले तोड़े मकान के, उसके बाद में अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद में एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, और सर्च ऑपरेशन के बाद में ये शराब मिली है, शराब भारी मात्रा में शराब मिली है। फिलहाल ये किसका घर है सत्यनारायण, ये किसका घर बताया जा रहा है? देखिए, अभी तक इस मकान किसका है इसका पता पड़ नहीं पाया है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इस मकान के अंदर इस भारी मात्रा के अंदर शराब मिलना एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि पूरे जयपुर नहीं बल्कि कई इलाकों के अंदर जहां चुनाव होने हैं वहां पर ड्राई डे घोषित किया हुआ है आपका विभाग ने, फिर भी ये शराब दिखी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत इसमें सामने हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार यहाँ पर शिकायतें मिली थी, उसके बाद में वहां के निवासियों ने फर्स्ट इंडिया की टीम को सूचना दी कि यहाँ पर अवैध शराब बिक रही है। उसके बाद के अंदर फर्स्ट इंडिया की टीम ने पुष्टि करने के बाद पुलिस को सूचना दी, और पुलिस की सूचना के बाद पूरी तरफ मुगर पहुंचने के बाद में पूरी तलाशी दी गई। तलाशी के बाद में यह भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद हुआ। सुषमा, बिल्कुल, तो जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम फर्स्ट इंडिया ने किया है। फर्स्ट इंडिया ने पुलिस को इत्तला किया कि भाई एक घर में इतनी बड़ी खेप में शराब है, और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो शुरुआत में तो ये नहीं मिली, कैसे मिलती, क्योंकि देखिए कहां कहां पर ये शराब छुपाकर रखी गई है। हमारी खबर पुख्ता निकली और आखिरकार पुलिस को ये शराब की खेप मिली। सत्यनारायण, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से शराब को यहाँ पर छिपाया गया है, वो तस्वीरें भी कम चौंकाने वाली नहीं है। सुषमा, जिस समय दबिश मारी गई उस समय करीबन एक घंटे तक मकान के गेट बंद कर दी गई, और एक घंटे के भीतर शायद मकान मालिक यही चाहता था कि एक घंटे का टाइम मिल जाएगा और एक घंटे के भीतर पूरी शराब को वो ठिकाने लगा देगा, उसको छिपा देगा। लेकिन लगातार सर्च करा और करीबन डेढ़ घंटे तक पुलिस की टीम ने सर्च किया और दबिश देकर पूछताछ कर, या फिर अच्छा क्या यहाँ पर कोई अपोज भी किया गया है? जो फैमिली में यहाँ पर बता रहे हैं आपके घर में कुछ महिलाएं थी, क्या उन्होंने कुछ विरोध भी किया? बिल्कुल, महिलाओं ने ताला लगाने के बाद में करीबन तीन गेट के ताले लगाए, पुलिस टीम ने तीन गेट के ताले तोड़े। उसके बाद जब पूछा गया उनसे कि आखिरकार आपने ताले क्यों नहीं छोड़े, तो उनका साफ कहना था कि हम डर गए थे कि ताले नहीं खोले, हमारे घर में कोई शराब नहीं है। लेकिन एक घंटे डेढ़ घंटे तक लगातार पूरी मुहिम चली, ऑपरेशन चला, सर्च चलाया गया, उसके बाद में जमीन के अंदर खड्डा दबा दी। अच्छा, कुल कितनी शराब होगी यहाँ पर, कितनी कीमत होगी इसकी, और क्या किसी को अब तक पकड़ा गया है, पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया क्या? देखिए, इसमें करीबन 4 लाख से अधिक की कीमत की शराब की बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ड्राई डे कोशिश किया हुआ था, ड्राई डे के दिन ब्लैक के अंदर ये शराब बेच रहे थे। लगातार जब फर्स्ट इंडिया टीम वहां पहुंची तो लोग वहां से भागते हुए नजर आए, यानी कि वो शराब लेने वहां गए थे। लोगों को ध्यान था कि इस मकान के अंदर शराब मिलती है, और शायद यही कारण रहा कि आसपास जो पड़ोसी थे वो काफी परेशान हो चुके थे। उनकी सूचना पर भी पुलिस गई, हमारी सूचना पुलिस गई और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी ने आबकारी को सूचना दी, विभाग को, और आबकारी विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है पूछताछ करने की आखिरकार ये शराब कहां से लेके आए हैं, और क्या कुछ मंसूब है, और जयपुर शहर के अंदर कहां कहां शराब बिक रही है, और ये पूछताछ की जा रही है। अच्छा, ये यहाँ पर चलिए ये नहीं पता चल पाया कि किसका घर था, लेकिन कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं? जो महिलाएं होंगी उन्होंने कुछ बताया तो होगा कि कौन है वो, किसकी फैमिली है, क्या उनका कारोबार है, व्यापार है? बिल्कुल,
जो आसपास के लोग हैं उनका साथ करना है कि काफी परेशान हो चुके थे, पुलिस से गुजारिश करते थे, वो परेशान हो गए थे कि यहाँ पर शराब दिखती है, लेकिन पुलिस आती और शायद सारा खेल संभालने के बाद पुलिस वापस लौट जाती, पुलिस को कार्रवाई नहीं कर पाती थी। लेकिन आज जब पश्चिम बंगाल की टीम ने पुलिस को सूचना दी कि वास्तव में यहाँ पुष्टि हो चुकी है शराब दिखती है, कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसके बाद ही पुलिस टीम पहुंची। और बड़ी बात यह है सूचना की इस पूरे ऑपरेशन के बाद में जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्होंने राहत के साथ लेकर पश्चिम बंगाल का धन्यवाद जताया। चलिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फर्स्ट इंडिया ने पुलिस को जानकारी दी कि इस घर में शराब होने की शिकायत मिली है। उसके बाद पुलिस ने जब यहां पर दबिश दी तो घंटों की छानबीन के बाद शराब की भारी खेप यहां से बरामद हुई है। इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी।